वालेकुम जी। आज शिकार का दूसरा दिन है। अर्ली मॉर्निंग सारे उठ गए हैं, अभी सूरज भी नहीं निकला। अभी देखें ये इस तरफ से निकल रहा है, मशरक की तरफ से, और हमने एक बंदा पहले ही झाड़ियों में छिपा दिया है रेकी के लिए। हम ज़रा नज़र रख रहे हैं कि ऊपर से नीचे उतरें, लेकिन हमें लगता यह है कि जो मोर हैं उनकी आपस में मीटिंग हो चुकी है और उन्हें ये आइडिया हो चुका है कि हम पकड़े जा चुके हैं, अब इस रास्ते नहीं आना। देखें अब आज हमारी किस्मत जागती है या नहीं जागती। ज़िया तो सुबह 6 बजे का जंगल में जाके दुबक के बैठ गया, कैमोफ्लैज हो गया। तो बहरहाल ये है कि अब देखते हैं, देखना ये है कि कहानी कहाँ बदलती है। तो हम जा रहे हैं ज़रा इस सपाट पर, यहाँ से नज़र रखेंगे और जैसे ही नीचे आते हैं तो ज़िया साहब को यहाँ से मिस कॉल मारेंगे। जी शिकारी साहब, क्या खबर है? क्यों ट्रेनिंग दी तक जी पोजिशन आज मैं दी सी आई जाने नहीं। ज़िया तो तेज़ है लेकिन उन्होंने ज़्यादा तेज़ी दिखाई है भाई। जंगल उनका घर है, वही कह रहा हूँ। क्यों नहीं आए? मतलब कहने का ये है कि आज हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा। चुस्पा हो गया, चुस्पा मतलब ना उम्मीदी है। वापसी के लिए रास्ते सफर मान लिया है। इस वक्त हम जिस लिंक रोड से जा रहे हैं इसको बोलते हैं नाड़ाकोट रोड। जगह का नाम है नाड़ाकोट। तो यहाँ अबू बकर साहब हमारे पुरखों की ज़मीन भी हुआ करते थे, चेक करवाते हैं भी। हमारे परदादा जी ने सेल की थी। अल्लाह जन्नत से बताते आपके अब्बा जी ने बताया था मुझे। शाबाश, ये ज़मीन ये स्टार्ट होती है इधर से। ये सारी ज़मीन थी हमारे दादा परदादा जी, यहाँ तक काफ़ी थी। कितनी प्यारी जगह। ये देखें नाजरीन, सामने सामने के महल्ले से हम जा रहे हैं अदनान कश्मीरी। अदनान मुगल कश्मीरी, हाँ उस घर ये वाला है। ये साइड इधर इधर बनाता है वीडियो, इधर अक्सर बनाता है इधर। यार इधर नीचे जगह है, वो जाना जाना चले चलो। यहाँ पे कोई वो इधर ऐसे है मेरे ख्याल में, क्या इबादत गाह थी ये? ऐसे ही है, हिंदुओं की इबादत गाह थी। कोशिश करते हैं अगर हमें यहाँ नजर आ जाती है तो वहाँ जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बाबा जी को पूछा क्या ना जगह ना क्या वैसे अब एक पॉइंट है वो खड़ा है। हाँ जी चलो, इनको ज़रा थोड़ी फंडिंग भी दे दें। छोटे रुक सो, अगर रुक सो तो ठीक है, कोई मसला नहीं। एक ही अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? फंडिंग कर रहे हो मसीती? नहीं मसीती नहीं फंडिंग कर रहे हो? अच्छा ये कौन बनवाई रहा? सारे मल्ले इलाके ले सही है। ज्यादा दूर से नहीं? ना ना हम पार बूटे आ जी, बूटे आ जी हां वो ले बूटे या ये ले? ना ना वो अगला ले, अगले लेंगे। हां पार है किस्मत ही चल रहा है। अच्छा अच्छा चलिए जी, वो जिसे कहते हैं जाते हैं देखते हैं फिर कर लेंगे। देखो देखो ना जी, यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा ना। हमने कहा जाते जाते थोड़ा सा एडवेंचर कर ले। यही है बावली, यही है बावली, यही है। लेकिन पानी चल रहा है ये देखो, लेकिन सफाई नहीं की इन्होंने पानी की, बारिशों के बाद अभी ज़रूरत नहीं है ना, जब इनको ज़रूरत पड़ेगी ना फिर साफ हो जाएगी। ये है बावली, मैन बावली ये है। कितनी तेज रफ्तारी से पानी आ रहा है, असल में ये पीछे है चश्मा। मेरी आंख तो दिखा नहीं सकेगी आपको, पिटक गिर जाओगे पीछे हो। ये पाली मेरे ख्याल में डैम बना के ना इन्होंने,
आगे वो है ना ग्राड है ना, चक्की है पान चक्की, पान चक्की देखने चले चले। कोशिश करते हैं आगे गार ढूंढने की। बाबा जी मिले मकामी 80 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि मैं भी कभी नहीं गया हूँ गारों में, तो कोशिश करते हैं जाके ढूंढते हैं। आगे हमें एक पान चक्की नज़र आ रही है, वो जाके देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि पानी से जो बनाई हुई है उन्हें चक्की और आटा पीसते हैं उससे, वो जाके देखते हैं। तो आटा अगर मिला तो ले चलो ट्राई करते हैं। ये उस चक्की की है ना, ये इसको बोलते हैं देसी जुबान में जंदर। जंदर होते हैं ये दो, एक फिक्स होता है, एक स्टेशनरी होता है और एक जो है वो मूव करता है। तो ये इसके वजन से इसके दरमियान में सेंटर से दाने जाते हैं, वो फिर साइडों पे ग्राइंड होते हैं इसकी मूवमेंट के साथ, और ये मूव होता है इसके नीचे जाते हैं। नीचे इसके लगी हुई है टर्बाइन, मतलब जो लकड़ी की टर्बाइन बनाई होती है मतलब, और उस टर्बाइन को जो ऊंचाई से गिरने वाला पानी है वो धकेलता है जिससे ये मूव होता है। ये बेसिकली इन्होंने डैम बनाया हुआ है ये सारा पानी को रोकने के लिए, पानी रोक के फिर ये पानी को एक रुख देते हैं, एक नाले से गुजारते हैं कंग से नाले से, ये नीचे नाला जा रहा है। तो ये पत्थर के बीच इन्होंने नाला निकाला और ये आगे जा रहा है, नीचे चक्की है, नीचे चक्की है जिससे ये ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है और चक्की काम करता है। चक्की बंद है, नहीं जा रही। देसी लैंग्वेज में ऐसी जगह को बोलते हैं संद, ठीक है, जहाँ पे पानी गहराई में मौजूद होता है, और मतलब ऐसी जगह पे नहाने का अपना ही मज़ा है। गर्मियों में पानी ठंडा होता है यहाँ पे, एक जगह भी आप देखें। बहरहाल मुझे तो कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इतनी गहरी जगह पे नहा सकूँ, थोड़ा सा पानी का फोबिया भी है। हाँ, उतली जगह जिसी जैसे कहते हैं ना कम गहराई वाली जगह, वहाँ पर हम नहाते रहे, तैर भी लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर नहाने की कभी मैंने हिम्मत नहीं की। हाँ जी, चढ़ा जा सकता है। ये देखो लोगों ने जगह बनाई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये जूतों का आज ही चढ़ा जाएगा, इन जूतों में मैं ऊपर नहीं चल सकता, लिहाजा प्रोग्राम कैंसिल। ये नहीं गिरता बेटा, क्या निकलेगा? ये देखें इन्होंने बंद कैसे बांधे हैं, पत्थर के बीच सुराख निकाल के लकड़ी से, लकड़ी के बड़े बड़े जो हैं वो किले लगाए हुए इन्होंने, जिनके पीछे उन्होंने पत्थर को खड़ा किया, और ये सारी मेहनत आप देख सकते हैं, ये सब पत्थर है। क्या कह रहे थे? वो कुआं है, ये गार है बेसिकली, और इसके नीचे भी बावली है, ठीक है, बावली के ऊपर वो सामने देखें शिवियाँ बनी हुई हैं, लेकिन झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम इसको अंदर तो जा नहीं सकते। ये नज़र आ रही हैं जी, एक ये है, एक ये है, और एक और थी गालबन किसी के कहने के मुताबिक, मालिक भाई ने मुझे बताया था, तीन शिवियाँ बनी हुई हैं इधर। यहाँ से थोड़ा व्यू ठीक आ रहा है, ये देखें, अब डर ये है कि यहाँ सांप ना हो गई। एक ये है, एक ये है, चलें उनकी खैर ही है। गिर गया ना, वो देखें बेसिकली ये नीचे बावली है। बहरहाल चलें, कुछ ना कुछ तो नज़र आ गया हमें, चलें जी। नहीं बेटा जगह ही नहीं है, ये गार नहीं है, ये बेसिकली बावली है। मुकामी हो तुसने इत्थें? हाँ, मैं तो सर्विस कर रहा हूँ मुकामी ना। अच्छा, किस चीज़ की सर्विस कर रहे हो? इत्थें पॉपुलेशन वेलफेयर वाले ने अस्पताल है। अच्छा 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 अच्छा, आबादी ना, मतलब हम दो, हमारे दो है जी।
आबादी कंट्रोल कर रहे हो। ये जनाब हम छड़ोई पहुंचने वाले हैं, बस मजीद कोई 5 मिनट की दूरी में। बड़ा डेवलप हो गया यार, इधर कुछ भी नहीं होता था। ये हम जा रहे हैं जी, बड़ा खूबसूरत एरिया है, चुड़ी से निकल रहे हैं और इस एरिया का नाम है पंचरटा, सॉरी एक स्पॉट हम छोड़ा है पीछे। बेसिकली इस एरिया को पंचरटा क्यों बोला जाता है वो भी आपको बताना था लेकिन अभी याद आई है मैं, तो वो तो खैर फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं और क्या ही मज़ा आता है यहाँ पर ड्राइव करने का और यहाँ से गुजरने का, क्योंकि आगे पीछे आपको दरख्त नजर आएंगे चीज़ों की और सड़क भी माशाल्लाह अच्छी है, तो काफ़ी स्मूथ ड्राइव है यहाँ। ये पूरा सफ़र आप करके आए शहर की तरफ से आए, जब आप इस एरिया में पहुंचेंगे तो आपकी सारी थकावट उतर जाएगी, क्योंकि ताज़ा हवा और चिड़ों की छाँव आगे पीछे सारा सब्जा ही सब्जा, तो यानी कि मुझे पर्सनली ये वाला जो रूट है बड़ा पसंद है। अब हम पहुंचे हैं पीर गली, जिसको हम हाजमा रोड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जो खाया पिया है इस सड़क में ट्रैवल करने से वो लैंडस्लाइडिंग जो है साइडों पे बड़ा मसला है। यहाँ पे सड़क तो माशाल्लाह अच्छी बन गई थी लेकिन जगह जगह पे आप देख सकते हैं ये बारिश के बाद जो लैंडस्लाइडिंग हुई है ये गलियाँ यहाँ का बात है। ये कहाँ से है जी? ये पंजाब से, ये होंगे इधर लाहौर वाली साइड से, लाहौर के होंगे। ये वो आगे एक बाइक है उसका, सारे 150 पे जा रहे हैं। नहीं एक वो दूसरा है पीछे वाला 150, आगे दो एक यामाहा का भी है। लाहौर से ही है पक्का, लाहौर से ये चारों के तो जा रहे हैं। ये बच्चे ये हमारे एरिया को एक्सप्लोर करने आए थे, घूमने फिरने।